नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किधर घूमने जा रहे हैं, पर हम किधर घूमने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं नाना के गाँव। कल शाम को फोन आता है कि नाना का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा लगता है, गाड़ी देखने के बाद, गाड़ी की हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि ये बहुत मेजर एक्सीडेंट है, पर मैं आपको बता दूँ कि माइनर सा एकदम एक्सीडेंट है। और वीडियो मतलब जब आप गाड़ी की हालत देखेंगे तभी आप चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पर हालांकि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हुई है, नाना को भी ज़्यादा चोटें नहीं आई हुई है, खाली उनका जो है थोड़ी सी मोच वगैरह आई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रैक्टर वाले ने पीछे से गाड़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से ठोक दिया है, और ट्रैक्टर वाले की स्पीड ज़्यादा होने के कारण पूरी की पूरी गलती ट्रैक्टर वाले की है, क्योंकि उसने पूरी तरह गाड़ी को ठोक दिया है, जल्दी गाड़ी में उन्हें ठोक दिया है, इसके कारण गाड़ी में बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी जो है रास्ते से निकल कर सीधा रास्ते के बाजू में गिर गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ी में डैमेज हुआ है। तो पहला डैमेज अगर हम बात करते हैं गाड़ी में, तो पिछला वाला जो टेल लैंप है गाड़ी का पूरा ख़त्म है। और स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि टेल लैंप कवर और टेल लैंप बिल्कुल ख़त्म है। और फ्रंट मडगार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट मडगार्ड गाड़ी का फुल ख़त्म है। और अगर हम फ्रंट शीशे की अगर हम बात करते तो राइट साइड वाला शीशा फुल डैमेज है। और फ्रंट फेयरिंग की अगर हम बात करते तो काफ़ी ज़्यादा उस पर स्क्रैचेस वगैरह आए हुए हैं, डीप स्क्रैचेस उसमें ज़्यादा आए हुए हैं, और इंडिकेटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है। हालांकि इंडिकेटर टूटा हुआ नहीं है, फिर भी आप फ्रंट मडगार्ड के ऊपर अभी देख पा रहे होंगे तो फ्रंट मडगार्ड बहुत डैमेज है। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी है, जब बहुत डैमेज इंश्योरेंस इसमें नहीं है, इसलिए ये जो भी खर्चा गाड़ी में आएगा खुद से करना पड़ेगा। दूसरे साइड वाले अगर हम बात करते हैं तो पैनल के नीचे अगर हम बात करते हैं, एयर फिल्टर के नीचे गाड़ी का ऑयल लीक हो चुका है, जो कि गाड़ी गिरने के कारण जो उसका जो रिवर्स सप्लाई होता है उसके कारण हो चुका है। अगली इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम गाड़ी का काम करते हैं। और बाइक चलाते हो तो हेलमेट, कार चलाते हो हेलमेट जरूर जरूर पहनिएगा, सावधान से चलाइएगा अपनी गाड़ी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।